हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रणनीति में बदलाव, दक्षगत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन, एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पूर्ण उत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सब से आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, ना ही हम बेखबर हैं उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद
इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।